नमस्कार भारत 360 को स्वागत। खूब शीघ्र खोली पारे श्रीमंदिर, डिसेंबर 20 परे श्रीमंदिर खोलिबापाई योजना करुछि प्रशासन। एने छत्तीसा नियोग बैठक रे चलीछि आलोचना। पूरी नीलाद्री भक्त निवास रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार को अध्यक्षता रे चलीछि बैठक। दिन को 10 घंटा श्रीमंदिर खोलिबाकु प्रस्ताव दिया जायछि। एथि सह दैनिक 4000 भक्तों को दर्शन पाई अनुमति प्रस्ताव मध्य रहिछि। डिसेंबर 21 रे श्रीमंदिर खोली पारे बोली एक सूत्र रु सूचना मिलुछि, किंतु ए संपर्क रे श्रीमंदिर प्रशासन किंबा छत्तीसा निजोकर कोनोसे सदस्य मत रखि नहंती। बैठक रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार का सहित नीति प्रशासक जिलापाल एसपी एवं निजोकर प्रतिनिधि मंडली जोग दैछंती। कोविड गाइडलाइन द्वारा भक्त मान को मंदिर भर प्रवेश सानिटाइज मास्क पिंधि से प्रवेश करूँ। कौन सी मंदिर जिते मंदिर अच्छी लक्ष्मी मंदिर विमला मंदिर सरस्वती जहाँ सब मंदिर अच्छे आमर से मंदिर कौन सी भक्त तार ठिया हो पारे से गाइडलाइन अनुजाई से तार रनिंग सब जगार कौटी ठिया हो पारे सब जगह से रनिंग चलो भितर काट बाहर काट भी से सब जगह से रनिंग चलो ताहले कौन से असुविधा हम निश्चय मंदिर खोलिया स्वाभाविक दरकार। भक्त बहु व्याकुल अच्छा जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करने निश्चिंत प्रशासन चिंताधारा रही सरकार चिंताधारा रही आमर भी सेवायत भी चिंताधारा अच्छी निश्चय मंदिर खोल सब प्रकार सुविधा हम आमर भी सेवायत भाई मैंने बहुत कष्ट भी अच्छा खुब शीघ्र खोली पारे श्रीमंदिर। डिसेंबर 20 परे श्रीमंदिर खोलिबापाई योजना करुछि प्रशासन। एने छत्तीसा निजोग बैठक रे आलोचना चलीछि। पूरी नीलाद्री भक्त निवास रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार को अध्यक्षता रे चलीछि बैठक। दिन को 10 घंटा श्रीमंदिर खोलिबाकु प्रस्ताव दिया जायछि। एथि सह दैनिक 4000 भक्तों को दर्शन अनुमति प्रस्ताव मध्य रहिछि। डिसेंबर 21 रे श्रीमंदिर खोली पारे बोली एक सूत्र रु सूचना मिलुछि, किंतु ए संपर्क में श्रीमंदिर प्रशासन किंबा छत्तीसा निजोग कौन सदस्य मत रखि नहंती। बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार का सहित नीति प्रशासक जिलापाल एसपी एवं निजोग प्रतिनिधि मंडली जोग दैछंती। अधिक आलोचना पूरी जोड़ी होती अक्षय मिश्र। अक्षय, वर्तमान तो छत्तीसा निजोग बैठक चली, तेज बैठक में कौन कौन सब आलोचना चली? देखो निश्चित भाव जो बैठक आरंभ हो सारी जहां आम सूचना पाच कि प्राथमिक पर्यायर जो मंदिर खोलिया तो आपात प्राय स्थिर हो सारी, किंतु जो व्यवस्था करोकने भक्त मैंने दर्शन करेंगे से नहीं प्राथमिक पर्यायर पूरी सहरवासी श्रीमंदिर को जाए महाप्रभु दर्शन करेंगे यही प्रस्ताव आलोचना चली वर्तमान छत्तीसा निजोग बैठक में। जहाँ श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य कहते कि मुख्य प्रशासक डिसेंबर 21 तारीख को स्पष्ट करते से अनेक गुड़े प्रसंग रखिंट जो भाव में जेहेतु श्रीमंदिर नीतिकांति रही 10 घंटा दर्शन पे समय मिल 10 घंटे प्राय 4000 लोक भक्त श्रीमंदिर जाए दर्शन करेंगे 1 घंटा को 400 लोक जी जहाँकि आपात गोटे ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कर श्रीमंदिर प्रशासन एने श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य हूँ छत्तीसा सदस्य हूँ से परामर्श दौर जहाँ परामर्श में प्राथमिक पर्यायर पूरी सहरवासी दर्शन करेंगे से ही दर्शन व्यवस्था को श्रृंखलित करापे अन्न समय दिज्व एने एक गाइडलाइंस प्रस्तुत होबली भाव में 4000 भक्त दर्शन करेंगे कौ समय कौटा लोक दर्शन करेंगे तापी एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत हो निश्चित भाव जहाँ कह दीर्घ 8 मास धरी महाप्रभु दर्शन रू वंचित होती भक्त तेणु मोटामोटी भाव में यही निष्पत्ति शुणापुर भक्त महल टी आश्वस्ति देखा मिल अंपटे जी कह जेहेतु भक्त मैंने दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करी कह नागार्जुन बेश हौ महाप्रभु रथयात्रा हौ स्नान पूर्णिमा हौ सबकि बिना भक्त संपन्न हो तेणु निश्चित भाव यही बैठक पर ही भक्त मैंने नुआ वर्ष ठाकुर दर्शन निहत पाई आशा करवायत निजोगर सदस्य मैंने आशा व्यक्त करो भक्त मैंने श्रीमंदिर को दर्शन करेंगे जोभली भाव में मार्च मस मंदिर बंद पूर्व जोभली दर्शन व्यवस्था कराई भक्त भक्त भितर प्राय एक हाथ दूरत से श्रीमंदिर भितर प्रवेश करुते बार काठ पाखर दर्शन करें अंपटे प्रस्थान करेंगे तेणु यही व्यवस्था होती जो मैंने चाहिए से पार्श्व देवादेवी मंदिर को दूर दर्शन करेंगे कौन सी मंदिर भितर को जी ना
एवं आनंद बजार को जाकि महाप्रसाद पाए से नहीं सुआर महास निजोग एक सुंदर व्यवस्था करती कि प्रति दुकान ने प्राय 6-7 लोक मैंने महाप्रसाद किणापर अगर लोक किवस्था करोने श्रीमंदिर भितर महाप्रसाद खाइबे से व्यवस्था करो निश्चित भाव आम आशा करेतु अनेक गुड़े तर्जमा आलोचना चली तो निश्चित पक्षे जो भक्त मैंने महाप्रभु को दर्शन साध्य पाए से भाग्यवान मन करेंगे तेणु निश्चित भाव बैठक निर्यास सरपुर बैठक सरपुर स्पष्ट हो पार समस्त गाइडलाइंस किभली भाव भक्त मैंने जी दर्शन करेंगे और प्रस्थान करेंगे कि महाप्रसाद पाए जेहेतु दीर्घ मासर व्यवधान परे मंदिर खोलिबाकु जाउछि ता त परवर्ती समयरे जणा पडिबो स्पष्ट सूचना मिलिबो किमिति कोन सब गाइडलाइन रहबो किंतु जेतेबेले एते व्यवधान परे जेतेबेले गोटे भक्तटिए दर्शन करबाकु जीव श्रीमंदिरकु तबे आनंद बजारकु मध्ये नियाति भाबे जीवो तबे एहारि भितरे एते संख्याक भक्तंकु किभळि भाबे शांति शृंखलार सहित दर्शन करिबे एवं आनंद बजारे अबडाटे खाइबे सेनि कोन सब व्यवस्था ग्रहण करबा उचित किंबा कोन सब व्यवस्था ग्रहण कले शांति शृंखलार सह भक्तटिए दर्शन करि पारिबो देखो निश्चित भाव जदि कह जेहेतु प्रशासन स्तर में गोटे ब्लू प्रिंट प्रस्तुत हो भक्त मैंने श्रीमंदिर जा महाप्रभु दर्शन करेंगे कारण दीर्घ 8 मास पर श्रीमंदिर को भक्त प्रवेश निश्चित यह स्पष्ट हो जाती अंपटे जदि कह जो भक्त मैंने जी से सिंहद्वार सम्मुखें आज भी आम देखुले जहाँ भिजुआल देखुए कि ब्यारिकेड पोतवा आरंभ हो सारे जो अत्याधुनिक सेड कर सेड में दुईट पार्श्वें भक्त मैंने प्रवेश करेंगे जो थे कि गोटे गोटे थर में 400 लोक जीवे और एक घंटे 400 लोक दर्शन करेंगे से जो मैंने श्रीमंदिर भितर प्रवेश करेंगे से छाड़ छाड़ी श्रीमंदिर भितर को जी हम से 22:05 श्रीमंदिर भितर पहुँचे और बेढ़ा परिक्रमा करेंगे जो मैंने चाहिए अबढ़ापी जापर से श्रीमंदिर भितर स्वतंत्र पुलिस रे जेटीपी रे जो मैंने भक्त मैंने दीर्घ मास व्यवधान पर मंदिर खोल जाऊँ तेज तो परवर्त समय जमापड़ कारण डिसेम्बर 21 श्रीमंदिर खोली पारे सूत्र सूचना मिले वर्तमान एने कि छत्तीसा निजोक बैठक चली बैठक पर समस्त निर्यास बाहर धन्यवाद अक्षय आपण समस्त सूचना। परवर्ती खबर को आसीबा खोलिला आकाश पाठक ठकेईर गुमर प्रेस मीट कर आकाश पाठकों जालियातीर पोल खोली क्राइमब्रांच एडीजी सोमेन्द्र प्रियदर्शी से कहते टाटा मोटर्स रे चाकरी कराइदेबा को कही अनेक आशायी को ठकी आकाश पाठक गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही और सहयोगी विरोध में 6 जन अभियोग खोलताड़ पर यह प्रमाणित हो जना पड़ी टाटा मोटर्स रे चाकरी कराइदेबा को कही आशायी को जाल नियुक्ति पत्र दि जाता आकाश टाटा चाकरी करुवा नहीं भाभी शशुर प्रदीप पाणिग्राही प्रचार करते से भितर दुई जन आशायी सीधा सड़क प्रदीप अकाउंट को टंका पठाई बेले बाकी 4 जन आकाश को घनिष्ठ सहयोगी अकाउंट में टंका पैठ कर आकाश को द्वारा अन्य जदि कहीं ठकामी शिकार होती तेरे क्राइमब्रांच अभियोग करने को अनुरोध करपरी बोरीगा सरपंच बसंत साहू को क्राइमब्रांच पचराउचरा कर पुतुरार चाकरी बसंत साहू प्रदीप पाणिग्राही को बायोडाटा देपरी कंभुपाणी साहू को क्राइमब्रांच जेरा कर कंबो पाणी को अकाउंट रु प्रदीप को अकाउंट को आसीतला लक्षाधिक टंका संपर्क अधिक सूचना पाई पलेन छंती ब्रह्मपुर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा कैलाश प्रदीप पाणिग्राही बायोडाटा देते चाकरी बसंत साहू अर्थात पुतुरार चाकरी बसंत साहू प्रदीप पाणिग्राही बायोडाटा देते क्राइमब्रांच आगे आकाश पाठक अनेक गुमर खोली सविशेष तथ्य कौन रही देखो निहाँकि गत काल आरंभ हो क्राइमब्रांच और ब्रह्मपुर पुलिस पक्ष मिलित भाव जेरा प्रथम गत काली जहाँकि कुकड़ाखंडी ब्लक जो बरीगा सरपंच रही बसंत साहू को प्रथम पुलिस थाना को डाकी पचराउचरा कर टाटा कंपनी चाकरी कराई देवा ना केवल से निजर पुतुरा बायोडाटा देते कि कौन प्रकार टा दे नबे बरीगा सरपंच अन्य कौन लोकंर हो अथवा अन्य कौन युवक युवती बायोडाटा हो अथवा टा कौन दे ना ना एने पचराउचरा कर ब्रह्मपुर पुलिस यहाँ पर आज सका जेहेतु क्राइमब्रांच रार जनी नुआ टीम जो आसमी को
ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବସନ୍ତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି 11:30 ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ଆଇପିଏସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲେ ଚାରିଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲା କି ଯେହେତୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହଉଛି କେବଳ ସେ ପୁତୁରା ବସନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପୁତୁରାର ବାୟୋଡାଟା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାୟୋଡାଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାପରେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପରେ ଯିଏକି ସିଟି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କମୁପାଣି ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଯୋଉ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଛି କାରଣ କମୁପାଣି ସାହୁରୁ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଅନେକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କମୁପାଣି ସାହୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କମ୍ବୁପାଣି ସାହୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପଚରା ଉତରା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି କୈଳାସ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆଉ କୋଉ ଆସିପାରନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତକୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି 7 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଗତକାଲି ଠାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 7 ଜଣିଆ ନୂଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ କାରଣ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛି ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହି ମିଳିତ ଭାବେ ସରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 300 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ କୈଳାସ ବେହେରା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆକାଶ ପାଠକ ଟକେର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କ ଜାଲିଆତର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ ନେଇଯିବା ଏକ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ 100 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗାଏବ ତାହା ପୁଣି କୌଣସି ଦୋକାନ ବା ଲକର୍ରୁ ନୁହେଁ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇର ହେପାଜତରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଇଚଇ ଏହାପରେ ତାମିଲନାଡୁ ସିବିସିଆଇଟିକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ 2012 ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ସୁରାନା କର୍ପୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଜବତ କରିଥିଲା ଅନେକ ସୁନା ଇଟା ଓ ଗହଣା ଏହାର ଓଜନ ଥିଲା 400 କିଲୋ 500 ଗ୍ରାମ ଏସବୁକୁ ସିଲ୍ କରି ସିବିଆଇର ସେଫ୍ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜବତ ସୁନା ଭିତରୁ 103 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗାଏବ ହୋଇଛି ସିବିଆଇ କହିଛି ସେଫ୍ ଓ ବୋଲ୍ଟନ 72 ଚାବି ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ସିବିଆଇ କହିବା କଥା ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସୁନା ଇଟା ସହ ଗହଣା ଏକ ସଙ୍ଗେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଲିକ୍ସିଡିଟରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଜନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଓଜନରେ ଅନ୍ତର ଆସିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିବା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଓ ବିଜେପି ନେତା କୈଳାସ ବିଜୟ ବର୍ଗୀୟଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡିଜିପି ଓ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମନକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଗୁରୁବାର ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କୋଲକାତାର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣାରେ କୈଳାସ ବିଜୟ ବର୍ଗୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା
दिल्ली सीमार चली कृषकों आंदोलन सप्तश दिन में पहुंची धीरे धीरे तेजुची आंदोलन आज दिल्ली सीमा को निकट केतेक टोल प्लाजारे विक्षोभ करने गाड़ीगुड़ निःशुल्क छाड़ चाषी सेपटे आंदोलन को आहुरी जोरदार करने को सजबाज चली किसान मजदूर संघर्ष समिति दिल्ली में चली चाषी आंदोलन में भाग नेबापी यात्रा आरंभ कर हजार हजार चाषी ट्राक्टर में दिल्ली सीमा आड़क बढ़ुंट प्राय 50,000 चाषी दिल्ली जीवा लगे प्रस्तुत होता जमापड़ सेपटे आलोचना प्रस्तुत बोली चाषी को पुणी कही सरकार यहसह सारा देश में नुआ कृषि आईन उपादेयता विषय लोकं जनवाक जनसचेतनता अभियान कर एथिपाई 700 जिले में 700 कृषक सम्मेलनी करने को योजना है। इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रखी है और सब दिल्ली जयपुर हाईवे पे तैनात हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारी संख्या में किसान जत्थेबंदी दिल्ली टोल की तरफ पूछ कर रही है और टोल फ्री करने का उन्होंने घोषणा कर रखी थी, तो लिहाजा उस गतिविधियों को रोकने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा बल मौजूद है। सर, आशंका जताई जा रही है कि किसान काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, टोल को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, देश भर में उन्होंने घोषणा कर रखी है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस के पुख्ता प्रबंध हैं, उसके बाद भी सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग है। बिल्कुल, साफ तौर पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही यहाँ पे ये मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हैवी संख्या भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रखी है सुरक्षा बलों की, और देखना ये होगा कि आज का दिन कैसा बीतता है, क्या दिन सामान्य रहेगा। चूँकि मानसर टोल की बात करें तो टोल लग रहा है, किसी भी प्रकार से गाड़ियों को फ्री नहीं किया जा रहा। किसानों ने घोषणा की थी कि वो टोल फ्री करेंगे, इसके लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। दिखाना चाहूँगा सामने, इस फ्लाईओवर का नाम है KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, यानी जयपुर की तरफ से दिल्ली की तरफ आने वाला एकमात्र एक्सप्रेसवे जहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। अब देखना ये होगा कि क्या आज यहाँ पर किसान जत्थेबंदी पहुँचती है और क्या वो आगे यहाँ पहुँचकर टोल को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर भारी संख्या में मुस्तैद है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, News 18 नई दिल्ली। पहले आई बात MSP की, उसके बाद मंडी की बात आई, फिर खेत खलिहान की बात आई। सरकार ने 100% चाहे वो MSP हो, चाहे मंडी हो, चाहे खेत खलिहान हो, किसानों के वो सुरक्षित है, इसकी गारंटी दे दी। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसानों के इंटरेस्ट को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने और डिफेम करने के हिस्ट्री शीटर लोग रहे हैं। आज जो है वो सरकार ओपन माइंड से किसानों के हितों के लिए, मोदी जी की सरकार ने शुरू से लेकर आखिर तक कभी भी जो है वो जिद का रास्ता नहीं अख्तियार किया। सरकार ने कहा कि जो भी किसानों के सरोकार हैं सरकार एड्रेस करने को तैयार है। सरोकार क्या थे? MSP थी। सरोकार क्या थी कि मंडी साहब ख़त्म हो जाएगी। सरोकार क्या थे कि साहब हमारे खेत जो है वो खेत और खलिहान लूट लिए जाएंगे। सरकार 100% गारंटी दे रही है, अब क्या रह गया भाई? तो इसलिए जो है वो आज जो है ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर इस एजिटेशन को जनता के लिए इरिटेशन बना रहे हैं, और जब कोई भी एजिटेशन जनता के लिए इरिटेशन बन जाए तो अपने जो उद्देश्य है उससे भटक जाता है। और आप देख रहे हैं किस किस तरह के प्लेयर्स इसमें एंट्री ले रहे हैं, किस किस तरह के लोगों की एंट्री हो रही है, क्या क्या मुद्दे हो रहे हैं। अरे क्या यहाँ पर ये जो देशद्रोही हरकतों में शामिल लोग थे उनकी रिहाई की मांग है क्या, या उसकी रिहाई के लिए यह आंदोलन हो रहा था? क्यों किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और अपनी इस तरह के लोगों की सुरक्षा की के षड्यंत्र किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे किसान भाइयों बड़े भोले भाले लोग हैं, हम किसानों पे कोई इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनके आंदोलन में जो आंदोलन की उनके मांगों के झंडों के साथ शुरू हुआ, आज कौन से झंडे उनके यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से बैनर आज डोमिनेट कर रहे हैं,
ये शुद्ध रूप से उनके आंदोलन को, उनकी मांगों को कहीं ना कहीं भटकाने और भरमाने की कोशिश है, नंबर वन। नंबर टू, जो किसान मांग लेकर बैठे थे, सरकार ने उसे 100% मान लिया। अब इशू क्या रह गया? अब इशू रह गया कि साहब इन आतंकवादियों को छोड़ दो, इन अलगाववादियों को छोड़ दो, इनको जो है वो रिहा कर दो। तो इसलिए किसानों को भी ये समझना चाहिए कि उनके कंधों पर बंदूक रख करके कौन लोग हैं जो किसानों के इंटरेस्ट को हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं। नुआ कृषि आईन को विरोध करी चासी आंदोलन तेजुवा बेले फिकी सम्मेलन में चासी और चाषर उन्नति प्रयास चली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ए क्षेत्र विकास रास्तार जहां सबू बाधा थिला ताकू हटा जाउछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। कृषि क्षेत्र में संस्कार पर चाषी को नुआ बजार और विकल्प मिल चाषी को टेक्नोलोजी लाभ मिल शीतल भंडार भित्तिभूमि सुदृढ़ हो और कृषि क्षेत्र में अधिक पुंजनिवेश बढ़ आशा व्यक्त कर प्रधानमंत्री। राज्य तथा देशर विभिन्न स्थान में जातीय राजपथे समस्त 450 टोलगेट्रे गाड़ी फी आदाय बंद दाबी आंदोलन जिलार पाणिकोइली और बालीचंद्रपुर टोलगेट्रे नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर् विक्षोभ और प्रतिवाद प्रदर्शन करोलगेट्रे चाषी गाड़ी समेत समस्त गाड़ी को मागणारे छाड़े चाषी सेपटे दिल्ली में चाषी आंदोलन को समर्थन जन चाषी मैंने राज्यव्यापी आंदोलन जारी रखिंट परिस्थिति नियंत्रण पर टोलगेट मानक व्यापक पुलिस मुतयन होती आंदोलन में वामपंथी दल समेत विभिन्न चाषी संगठन और राजनैतिक दल सामिल होती। चंडीखोल श्रीरामपुर टोल प्लाजा निकट में नवनिर्माण कृषक संगठन पक्ष विक्षोभ कर ए टोलगेट रे चाषी का गाड़ी समेत समस्त गाड़ी को मागणारे छाड़ी चाषी ए जो तीन तीन टी कला आईन आनी प्रत्याहार दाबी रे सारा भारत वर्ष रे चाषी आंदोलन चलती ताकू समर्थन कर आज नवनिर्माण कृषक संगठन जाजपुर जिला तरफ एटी टोलगेट पाखे आम आज धारणा देचु एवं समस्त जान को आम आज देयमुक्त कर एवं कौनसी जान जमी केन्द्र सरकार को टैक्स न जाए से आज नवनिर्माण कृषक संगठन एटी तार आंदोलन जारी रखी तेणु आम एटी दृढ़ दाबी रखू केन्द्र सरकार निकट में तुरंत ये जो चाषी विरोधी बिल के प्रत्याहर करूँ नचे सारा ओडिशा रे चाषी माने जो आंदोलन को लेवे से शासन प्रशासन दायी रही है। पूरी पिपिली रे भी बेली होती विभिन्न संगठन कृषि बिल बातिल दाबी करी पिपिली टोलगेट पाखे विक्षोभ प्रदर्शन करती समाजवाद पार्टी सीपीआई सीपीआईएम सीपीआईएमएल हिंद मजदूर संघ आदि दल सामिल होती टोलगेट कार्य को चल कर किसान संघर्ष समिति एवं सारा भारत अखिल कृषक समन्वय संघर्ष समिति डाकरे सारा भारत बर्षे जिते टोल प्लाजा अच्छी आज निःशुल्क करने बिना शुल्क समस्त गाड़ी घोड़ा को जात करने एक आह्वान आसी आह्वान समय होता 12:30 को रखा नमस्कार।